Hello and good afternoon. My name is Manik Bhateja and I'm here from Delhi. Thank you everyone for coming first of all. मैं यहाँ पे आज इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हमारा एक गाना कुछ दिन पहले हमारा गाना रिलीज हुआ है ड्रीम. It's running very successfully on television, on PTC all channels and आप सब लोगों के बीच में आज हम उसको प्रेस रिलीज करने के लिए आए हैं. ये जो सॉन्ग है ये एक बहुत ज़्यादा R&B और न्यू एज पंजाबी सॉन्ग है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठेठ पंजाबी नहीं, इंग्लिश एंड पंजाबी कॉम्पोजिशंस हैं. और इसके अंदर इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस गाने के अंदर जो है अरबिक, अरबी में है, तो वो वाला पार्ट भी है. और ये गाना एक्चुअली डेडिकेटेड है मेरी पर्सनली फेवरेट जो है कटरीना कैफ, उसके लिए डेडिकेटेड है ये गाना. मेरा इस तरह सिंगिंग इच्छा हुआ है कि ऑलरेडी आई एम सराउंडेड बाई ऑल दी आर्टिस्ट बिकॉज आई एम अ कोरियोग्राफर एंड मेरी अपनी कंपनी है जी डांस एरा करके. We are doing wonderful job in Delhi in terms of events, in terms of corporate events, government shows. जिहड़े भी आर्टिस्ट हैगे ने, जिहड़े भी पंजाबी आर्टिस्ट हैगे ने, चाहे हनी पाजी, बादशाह, नेहा, सोनू दीदी, टोनी, रफ्तार, एका, गोलू, ऐसा ने सारे मेरे यू नो दे आर ऑल माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स. ते इंस्पिरेशन जिहड़ी हैगी है वो गाने की मैनू मतलब इस तरह कुछ नहीं है कि मेरी फैमिली भी कोई गाँव सी पहले, ऐसा कुछ नहीं है. आई एम दी ओनली वन हू स्टार्टेड सिंगिंग, बट यह मेरा पैशन है तो मैं शुरुआत तो ही गाना. डांसिंग मेरा करियर इस करके बनया क्योंकि डांसिंग से मैं रिसोर्स मिले ट्रेनिंग से. 15 ईयर्स अगो आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग आफ्टर माई स्कूल एंड आई डिड ऑल माई ट्रेनिंग विद इंडिया के बेस्ट डांसर्स, डांस टीचर्स से मैंने अपनी ट्रेनिंग ली. और मैं DID में गया, मैं और रफ्तार, हम दोनों मैक्स और मालिक जोड़ी DID में गए. DID में हमने टॉप 8 तक अपनी जगह बनाई और उसके बाद हम वापस दिल्ली आए. दिल्ली आके रफ्तार जो था, मैक्स जो था वो रफ्तार बन गया और मैंने अपनी कंपनी डांसर खोली. सिंगिंग मेरा दूसरा पैशन है इसलिए उसको हमेशा से सिंगिंग में अपना नाम कर रहा था. और सिंगिंग में मैंने पहले कुछ गाने निकाले, अपना एक पिकेट अप था जो कि इक्का ने लिखा था और सचित जिसने सैटरडे का म्यूजिक दिया उसने दिया था और वो भी काफ़ी अच्छा चला. और एक गड्डी स्लो था जो सोनी म्यूजिक से आया था, उसके 1.8 मिलियन व्यूज थे और काफ़ी अच्छा वो भी चला. ये जो गाना है पर्टिकुलरली ड्रीम, ये मेरी रियलिटी है. मैंने इसके अंदर कुछ भी फैंसी नहीं दिखाया, कोई सुपर कार्स नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, कुछ नहीं है. बस ये एक रियलिटी है जो मैं पसंद करता हूँ, मैंने वो किया है. जो राती सुपना आया मैनू, मैं की दसां तैनू. जो राती सुपना आया मैनू, मैं की दसां तैनू. तेरे हाथ विच दिल सी मेरा, रब दी सौ है कल मेरी ट्रू. जो राती सुपना आया मैनू, मैं की दसां तैनू. नी तू ऐदा क्यों तू करनी है, लग जा घुमावे मेरी जान दस लग जाएगी. अदावा तेरिया ते करदा मैं बैठ के रिसर्च, मैं बनया ब तेरा साइंटिस्ट. नी मैं जददा तकिया तेनू. तेरे इश्क दा चढ़िया फतूर, पता कि वे दिल दी मैं राणी. मैनू सुपने च दे जा कोई क्लू. थैंक यू. जिस तरह तुहाडा ड्रीम सॉन्ग आया, काफ़ी लोगों ने सुनिया भी, तो लोग पसंद भी कर रहे हैं, तुसीं इह सॉन्ग किहनूं सोच के लिखिया? सोच जिहड़ी सी ओह सी कि गाने दे अंदर मेलोडी जिहड़ी है ओह मेलोडी बिल्कुल फ्रैश रहे, नवी रहे. ते मेरा फेवरेट जॉनर जिहड़ा हैगा ओह पंजाबी दे नाल R&B मिक्स करन दा है. ते R&B जिहड़ी फील है ना ओह एनीवेज बड़ी मेलोडियस लगदी है मैनू. नियो, क्रिस ब्राउन, ड्रेक, वीकेंड, मैं ऐसे जड़े आर्टिस्ट हैगे ने मैं बहुत सुनदा. ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਨਾਮੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ. ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਥੇਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ. ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਫਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰ ਯੋਯੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਮ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉੱਧਰ, GK1 ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਨੀ ਭਾਅ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਹਨੀ ਭਾਅ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖ ਲਿਆ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖ ਲਓ. ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਤ ਕੋ 1 ਵਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ. ਰਾਤ ਕੋ 1 ਵਜੇ ਕੌਣ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ?
मैंने जी 24/7 है उस पर किसी ने बुलाया मिलने के लिए, किसने बुला लिया मिलने? मैं बोला जी वो हनी पाजी आ रहे हैं। कहते कौन आएगा? मैंने बोला हनी जी आएंगे। हनी कह रहा है हनी कौन? मैंने बोला हनी सिंह। अरे हनी सिंह आएगा, तुझसे मिलने आएगा, यहाँ पे आएगा? मैंने बोला हाँ जी यहाँ पे आएगा। कह रहा उसको बोल दियो मुझसे ले लेगा लाइसेंस। उन्हें मेरा लाइसेंस रख लिया, मैं चला गया। मैं 24/7 बाहर वेट कर रहा, मैं हनी पाजी को फ़ोन किया, मैं पाजी तुम आओगे ना नाके तो मेरा लाइसेंस ले आना। तो वो गए उन्होंने थले की विंडो नीचे की, कहते कि ओ यार तूने मेरा लाइसेंस रख लिया मेरे भाई का। लाइसेंस लैके ना फिर उन्हें आके सेल्फी लीती उन्होंने नाल, ता जाके उन्हें लाइसेंस दिता, फिर जान दिता। ते तुसी एज ए कोरियोग्राफर तो बाद सिंगर बनने लई किदां सोचा? मैनू पता भी नहीं सी कि मैं डांस कर सकदा इन्ना वधिया, मतलब मैं सिखांगा या मैनू इन्नी अपॉर्चुनिटीज मिलनगियां। मैं सिंगिंग ते करदा ही सी। सिंगिंग इज मच यू नो पूरे दिन च तुसी ऐदा नहीं है कि तुसी काम करदे हुए भी डांस कर सकदे हो, बट ऑफकोर्स तुसी काम करदे हुए भी गुनगुना सकदे हो। ते मैं गुनगुनाना जिहड़ा सीगा वो बचपन तो सीगा मेरा। स्कूल भी मैं बतेरे इंस्ट्रूमेंट सीखे, मैं कोंगो बोंगो ड्रम्स कीबोर्ड्स गिटार एवरीथिंग, आई जस्ट लर्नड एवरीथिंग। एंड देन इवेंचुअली आफ्टर माई 12th व्हेन आई डिस्कवर्ड दैट आई कैन, आफ्टर माई 10th दे विच जड़ी छुट्टियां जड़ी पैंदियां सी वो ना 3 महीने दी, उहदे अंदर मैं डांस क्लासेस ज्वाइन कीतियां। तां मैं डिस्कवर किया, मेरे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया, यार यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी गुड, you should continue this. Then I discovered around 15 years back I discovered that I can dance, and then I took my training, formal training of 5-6 years, and then now also I'm training, and now also I go anywhere in any class and I train myself. Jo raati supna aaya mainu main ki dassan tainu, jo raati supna aaya mainu main ki dassan tainu, mere charon paase kudiyan te main labda reha tainu, जो राती सुपना आया मैनू मैं की दसा तेनू।